हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास टेंथ की मैथ्स पे देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 जिसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें क्या है बेटा कि हम लोग एक्सरसाइज 3.1 बहुत अच्छे से पढ़ के समझ के कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। अब हम इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए पहले उसका क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए 3.2 का कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। यानी 3.2 में अब आपको निकालना पड़ेगा ग्राफिकल सॉल्यूशन। यानी कि 3.2 आपको क्या समझना है बच्चों, ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको समझना है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चा, ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करेंगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, है ना, ग्राफिकल मेथड, है ना, क्या समझना है बेटा, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आइए हम लोग इसकी बातचीत करके देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, यानी ग्राफिकली इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, आइए देखते हैं। तो सपोज दैट, पेयर का मतलब होता है दो आपको देगा। सपोज दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, पहला दे दिया, और दूसरा दे देगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर आपको क्या मिल गया, सेकंड मिल गया। ठीक है, तो अब कहानी क्या है समझ के चलिए। दो इक्वेशंस आपको मिल गए, है ना, पेयर ऑफ लाइंस मिल गई। तो हम क्या करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि इसके हम कुछ बातें बताते हैं, कुछ रेशियो कि बिना ग्राफ पे बनाए हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका निकाल लेंगे। कैसे, देखो भाई, ग्राफ पे अगर कोई आप लाइन बनाते हैं, तो कैसे हो सकती है, आप खुद बता सकते हैं कि भाई एक लाइन हो सकती है जो कैसे हो, इस तरीके से हो कुछ, मतलब ऐसी लाइन जो आपस में क्या करें, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। दूसरी क्या पॉसिबल हो सकती है बेटा, दूसरी लाइन पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक लाइन ऐसे गई है, एक लाइन भी बिल्कुल ऐसे चली, यानी कि दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल लाइंस हो। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है बताइए, ग्राफ अगर कोई आप लाइन ड्रॉ करते हैं, किसी दो लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं, आप पेयर ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं, तो केवल तीन कंडीशन पॉसिबल होती है। एक हो गया भाई इंटरसेक्ट कर सकती है, दूसरा क्या हो सकता है कि पैरेलल चली जाए, तीसरी कंडीशन क्या होगी आप बताइए, तीसरी कंडीशन होगी कि एक के ऊपर क्या कर जाए, एक ओवरलैप कर जाए, यानी कोइंसाइड कर जाए। तो लाइनें क्या हो जाए बेटा, इसी पे कोइंसाइड कर जाए, मतलब इसी के ऊपर से दूसरी लाइन भी क्या हो जाए बच्चा, चली जाए, कोइंसाइड कर जाए। बात समझ गए, एक के ऊपर एक लाइन, ये दोनों एक के ऊपर एक जाने को बोलते हैं कोइंसाइड करना, है ना, जिसको बोलते हैं बेटा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोइंसाइड, कोइंसाइड लाइंस, क्या बोलते हैं बेटा, कोइंसाइड लाइंस। तो ये तीन तरीके के कंडीशंस हैं हमारे पास। तो सिंपल, हम इसको बिना ग्राफ पे बनाए, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया गया है, इसकी हेल्प से कैसे जान लेंगे कि ये इन तीनों में से कौन सी लाइन है, इसके लिए हम लोग समझने वाले हैं कंडीशन। बात समझ गए, मैंने क्या बोला कि बिना ग्राफ पर बनाए इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, हम इन्हीं को देख करके कैसे जान पाएंगे कि ये वाली लाइन थी दोनों, कि ये वाली है, कि ये वाली है, तो उसकी क्या कंडीशन है, वही हम इसमें समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं बाद के लिए, क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड में जगह चाहिए, इसलिए मैंने इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए कहानी क्या है समझते हैं, कहानी क्या है बेटा समझते हैं। तो सबसे पहली बात है ना, कि अगर पहली बात अगर हम बात करें कि लाइनें इंटरसेक्ट कब होंगी, है ना, अगर हम क्या करें बेटा, अगर हम a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालें और b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालें, अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, हमें क्या करना है, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, ऊपर से x का जो कोफिशियंट है a1 और दूसरे लाइन से बेटा जो x का कोफिशियंट है क्या है a2, दोनों को अगर हम लें और यहाँ पर y का कोफिशियंट लें, अगर रेशियो निकाल करके क्या करें, नॉट इक्वल टू करें, क्या करें, नॉट इक्वल टू अगर करें, करने का मतलब इन दोनों का रेशियो इसके रेशियो के इक्वल नहीं आया, तो लाइनें क्या होंगी बेटा, लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग, है ना, लाइंस क्या होंगी बेटा। तो तीन तीन बातें हम रिजल्ट में निकालेंगे,
ध्यान से समझ के चलिएगा, हम क्या निकालेंगे बेटा, तीन बातें एज अ रिजल्ट निकालेंगे। पहली बात हम निकालेंगे कि लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, है ना, क्या होगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। पहली बात इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। दूसरा रिजल्ट आप निकालेंगे कि अच्छा बताओ, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन, यानी लाइन जितने पार्ट्स पे जितने बार इंटरसेक्ट करेगी उतने सॉल्यूशन। तो यहां पर तो एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इसलिए कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होंगे। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वन सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या बोलते हैं बेटा, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग, ठीक, यूनिक मतलब एक बस। और तीसरा कंडीशन आप क्या निकालेंगे बेटा, अगर सॉल्यूशन लाइन का आ रहा है, चाहे वो एक हो चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, एक हो, दस हो, पांच हो, पच्चीस हो, पचास हो, सौ हो, हजार हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो लाइन क्या होगी बेटा, कंसिस्टेंट होगी। लाइन क्या होगी, कंसिस्टेंट, यानी लाइन्स विल बी कंसिस्टेंट, यानी कि कंसिस्टेंट लाइन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको गांठ बांध के चलिएगा, कंसिस्टेंट लाइन होगी, ठीक है ना, आप इस बात को समझ के चलेंगे, है ना। तो तीन बातें हम लोग निकाले, क्या कि अगर A1 और A2 का रेशियो निकाला मैंने, और B1 और B2 का रेशियो निकाला, और आपस में दोनों क्या हुए, इक्वल नहीं हुए अगर, तो तीन कंडीशन हम लोग बोलेंगे, तीन बातें बोलेंगे कि लाइन कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग वाली होगी जो बगल में बना रखा है मैंने, फिर लाइन क्या होगी, फिर बेटा सॉल्यूशन कितना होगा उसका, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यही तो आप बोल रहे ना कि सॉल्यूशन निकालना सीख रहे हैं। फिर लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट, तो आप कहेंगे कि अगर सॉल्यूशन आ रहा है, कितना आ रहा है इससे मतलब नहीं है, बस आ रहा है तो लाइन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, अगर सॉल्यूशन नहीं आएगा तो लाइन क्या होगी, इनकंसिस्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, दूसरी बात करते हैं बेटा, दूसरी कंडीशन ये कि हमने क्या किया, A1 अपॉन A2 निकाला, ठीक है, क्या निकाला बेटा, A1 अपॉन A2, और हमने निकाला B1 अपॉन B2, और हमने निकाला C1 अपॉन C2, यानी कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, और हमने क्या निकाला बच्चों, C1 अपॉन C2 निकाला। अगर तीनों का रेशियो सेम आ गया, मतलब कि इक्वल हो गया, तो हम फिर तीन बातें बोलेंगे। पहली बात क्या बोलेंगे बेटा, कि लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट, है ना, कोइंसाइड लाइन होगी। लाइंस कैसे होंगे बेटा, कोइंसिडेंट लाइन होगी, है ना, कोइंसाइड करने वाली होंगी, अभी मैंने आपको बताया कोइंसाइड करने वाली। इसके बाद दूसरी बात बेटा, कोइंसाइड कर जाएगी ना, एक के ऊपर एक टच कर जाएगी, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे वो टच कर रही है, यानी कि हर एक पॉइंट पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे आप एक लाइन ऐसे आपने ड्रॉ किया, अब दूसरी भी अगर आप इसी पे ड्रॉ कर देते हैं, तो इसका मतलब समझते हैं कि हर पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि हर पॉइंट पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और कहां तक, इनफाइनाइट, ठीक है। तो यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना होगा बेटा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। और तीसरी बात कंसिस्टेंसी की करेंगे। अगर मैंने आपको अभी बताया ना, ट्रिक बताया ना, कि अगर लाइन कंसिस्टेंट होंगी, क्या मैंने बोला, अगर लाइन कंसिस्टेंट होगी तो सिंपल सी बात, उसका सॉल्यूशन होगा। यानी अगर सॉल्यूशन है तो लाइन कंसिस्टेंट होगा, फिर ये मैटर नहीं करता कि सॉल्यूशन कितना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि एक है कि पचास है कि पच्चीस है कि दो है कि चार है, गॉट इट। तो इस बात को आप समझ के रखिए। तो कितना होगा बेटा, लाइन विल बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट लाइन होगी, क्या होगा बेटा, कंसिस्टेंट लाइन होगी, आप इस बात को समझ के रखेंगे, ठीक। तीन बातें हमने कर ली दूसरी कंडीशन, आइए तीसरी कंडीशन की बातचीत करते हैं हम लोग, तीसरी कंडीशन की बातचीत कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है देख लेते हैं, कि अगर आपने A1 अपॉन A2 निकाला, B1 अपॉन B2 निकाला, ठीक है, और C1 अपॉन C2 निकाला, और अगर ये आपस में इक्वल, अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल हो गए लेकिन C1 वाला इक्वल नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, तीन बातें कहेंगे। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि दो तो पहले बता दिया, तीसरी कंडीशन क्या होगी, कि लाइंस विल बी पैरेलल, पैरेलल लाइंस होगी। कैसी लाइंस होगी बेटा, पैरेलल लाइंस, ठीक है, कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक। लाइंस कैसी होंगी बेटा, पैरेलल लाइंस होंगी, लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। दूसरी आप बताइए क्या होगा, दूसरी कंडीशन आप क्या बोलेंगे,
दूसरी कंडीशन आप बोलेंगे जब लाइंस पैरेलल होंगे तो बताइए कोई सॉल्यूशन होगा। देखिए मैं यहां पे आपको ग्राफिकली बना के दिखा रहा हूं, आप समझिए कि लाइन अगर पैरेलल हो गई तो बताइए टच करेंगी कभी भी या इंटरसेक्ट करेंगी कभी भी। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है कि दोनों का जो एंगल है बिल्कुल सेम है, और सेम एंगल से अगर कोई चीज जा रही है तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना। तो सिंपल सी बात है, जब टच ही नहीं करेगी ना इंटरसेक्ट करेगी तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो आप दूसरी बात बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा? नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। जब आप नो सॉल्यूशन बोलेंगे तो अब क्या होगा समझ के चलिए। तीसरी कंडीशन, जब सॉल्यूशन नहीं है तो अभी मैं तीसरी बार फिर बता रहा हूं बच्चों, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए इस बात को, है ना, नहीं तो फ्री का 3 से 4 नंबर आप बोर्ड में खो देंगे, ठीक है। इसलिए समझिए, अगर सॉल्यूशन है फिर चाहे वो कितना हो डजंट मैटर, लाइन क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो लाइन क्या होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। यानी यहां पे आप क्या लिखेंगे कि इनकंसिस्टेंट लाइन होगी। क्या होगी? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है ना। आप क्या लिखेंगे बेटा? इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी। तो इसको समझ के चलते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइंस, लाइंस कैसी होंगी बेटा? इनकंसिस्टेंट होंगी, समझ गए। तो ये तीन बातें, तीन कंडीशन ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको एक फ्रेम में दे दिया, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे समझ से चलिए क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट हम अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं, और पहले ही क्वेश्चन से आपको ये बात समझ में आने लग जाएगी कि इनका यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर कोई भी समस्या है तो मोबाइल आपका है, YouTube आपका है ना, कमेंट बॉक्स आपका है ना, कीबोर्ड आ ही जाता है, बिल्कुल टाइप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब समझते हैं आगे की बात। ये बातें हमने कर ली, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज में, क्योंकि इतने के बाद आप एक्सरसाइज करने में क्या हो गए? निपुण हो गए हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। देखिए कहानी क्या है, समझ के चलते हैं। तो सबसे पहली बात, एक्सरसाइज 3.1 ओपन करो सभी बच्चों, सभी लोग ओपन कर लीजिए, फिर हम बातचीत करते हैं। एक्सरसाइज 3.2, 1 तो कल कर लिए थे, 3.2 की बातचीत करते हैं। देखिए 3.2 में क्या वो रखा है, देखिए 3.2 का पहला क्वेश्चन अभी आप उसको पेंडिंग में रखिए, हम बात करेंगे दूसरे से। क्यों? क्योंकि पहला अगर मैं आपको तुरंत बताऊंगा तो आप अभी समझ नहीं पाएंगे, इसलिए दूसरा आप करिए, उसके बाद आप पहले पे चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये क्या रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज सेइंग दैट, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, सब लोग ध्यान सुनिए। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इनके रेशियो को कंपेयर करना है, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेजन इंटरसेक्टिंग अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी आपको कंपेयर करके बताना है कि जो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पेयर ऑफ लाइन्स दी गई हैं, वो कौन सी हैं, पैरेलल वाली हैं, इंटरसेक्टिंग वाली हैं कि कोइंसाइड करने वाली हैं। बात समझ गए? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला। देखो दूसरे में तीन क्वेश्चंस लिखे हैं, तो मैं पहला आपको लिख के दिखाता हूं। 5x-4y+8=0, 7x+6y-9=0। बात समझ गया? तो इस तरीके से हमने ये बातें लिखी। आइए चेक करते हैं। चलो बच्चों निकालते हैं A1/A2, B1/B2। तो सबको पता है कि x के साथ जो होता है वो A1 हो गया, y के साथ जो है वो हो गया B1, और यहाँ क्या हो जाएगा? C1। चलो तो A1/A2 पहले निकालता हूँ मैं सॉल्यूशन निकालना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है, समझिएगा। तो A1/A2, A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 7, कोई तकलीफ नहीं। चलो B1/B2 निकालूँ, चलो B1/B2 निकालते हैं, कितना बेटा? -4। हमेशा ध्यान रखिएगा कोफिशियंट जब भी लिखते हैं तो साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है, ये गलती आप मत करिएगा कि विदाउट साइन लिख दीजिए। 6 हो गया, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अरे वाह, यहीं से हमने देख लिया क्या आ गया, -2/3 आ गया। अब हमें आगे जानने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको दिख गया साफ साफ कि 5/7 कभी भी -2/3 के इक्वल नहीं हो सकता। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। इट मीन्स आप ये बात बोल सकते हैं क्या कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2।
ये आपने कंडीशन देख ली, इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आप ये समझे कि सर ये जो लाइन है ना, अभी मैंने जस्ट लिखाया था, कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आपस में इक्वल ना हो। तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, एक ही चीज पूछा था, हम लिखेंगे कि द पेयर ऑफ लाइन्स इज इंटरसेक्टिंग। क्या है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब एक दूसरे को कट करेंगी। बात समझ पाए, प्रोसेस पूरा इस तरीके से काम करके चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलिए सेकंड नंबर भी समझ लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस बन जाए कैसे करना है ना। सेकंड का सेकंड नंबर देखिए क्या है कहानी। सेकंड का सेकंड नंबर ये कह रहा है, मैं यहां फटाफट लिख देता हूं, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू जीरो, फिर 18x + 6y + 24 इक्वल टू शून्य। समझ गए बात को, तो आइए इसको शुरू करके हम लोग अपना काम करते चलते हैं। देखिए कहानी क्या है इसमें, इसको समझ के चलिए, फिर वही कहानी है, हमें चेक करना है बेटा। तो सिंपल सी बात है, चलो निकालते हैं सॉल्यूशन में, क्या करोगे कि A1 अपॉन A2 निकालना है। तो सिंपल सी बात है, A1 की वैल्यू कितनी है 9, A2 की वैल्यू कितनी है 18, तो 9 × 2 = 18 बेटा कितना आ गया 1/2, कोई तकलीफ नहीं। चलो बताओ B1 अपॉन B2 निकालते हैं बेटा, तो 3 अपॉन में क्या आएगा 6, 3 × 2 = 6, अरे वाह ये भी आ गया 1/2, तो अभी आपको कन्फर्म नहीं है। तीसरा भी निकाल लेते हैं, C1 अपॉन C2 देख लेते हैं, C1 की वैल्यू 12 upon 24, 12 × 2 = 24, अरे वाह ये भी क्या गया 1/2। इसका मतलब आपने देखा बेटा कि 1/2 = 1/2 = 1/2, यानी आप ब्रैकेट में लिख के बोल सकते हैं कि A1 upon A2 = B1 upon B2 = C1 upon C2, यानी कि इसमें तीनों इक्वल आ गए। तो आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, जब तीनों इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, ठीक है ना, कोइंसाइड कर जाएंगी, ठीक है, यानी ओवरलैप कर जाएंगी एक के ऊपर एक। तो हम क्या बोलेंगे, द पेयर ऑफ लाइन इज कोइंसिडेंट, ठीक है ना, है ना, यानी कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करना है आपको, ठीक है बच्चों। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आइए दूसरे का, एक और बचा है, थर्ड भी हम कर लेते हैं, ठीक है ना, थर्ड भी हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक। तो अब क्या है कहानी, समझ के चलते हैं हम लोग। देखिए थर्ड नंबर भी करते हैं हम लोग, देखिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है, ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर क्या कह रहा है देखिए, सिंपल सी बात है, थर्ड नंबर इज सेइंग दैट सेकेंड का थर्ड है ये, थर्ड इसमें लिख रखा है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। अब आप समझिए यहां पर ये क्या कह रहा है, देखिए A1 upon A2 निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं बच्चों, A1 upon A2 निकालते हैं। जब आप A1 upon A2 निकालोगे तो क्या आएगा 6/2, और जब आप B1 upon 6/2 का मतलब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 3 = 6, है ना, 3 आ गया। चलो B1 upon B2 निकालते हैं तो क्या आएगा -3/-1, कट गया, ये भी 3 आ गया। चलो अब क्या निकालते हैं बेटा, C1 upon C2 निकालते हैं, तो 10/9, ये तो कटने से रहा, यानी आप यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि 3 = 3 but not equal to 10/9। इसका मतलब आप ब्रैकेट में बोल सकते हैं कि सर A1 upon A2 = B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2, ये वाली कंडीशन हो गई। तो ये मैंने अभी आपको क्या समझाया है, ये कौन सी कंडीशन है बताइए, पैरेलल लाइंस की। देयरफोर द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है बेटा, क्या है, पैरेलल है, ठीक, ये हो गया आपका आंसर। यानी इस तरीके से आप अगर कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, तो आप सारी
क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे, बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको पॉज करके नोट डाउन करिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। किसकी बात करते हैं बेटा? थर्ड नंबर क्वेश्चन। जो थर्ड नंबर कह रहा है इसको भी समझ के हम लोग अच्छे से चलते हैं। थर्ड नंबर, अब देखिए थर्ड नंबर में आपसे ये बोल रखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, वही a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो बच्चा, अब इसमें वही देखो चीजें पूछा वही है लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दिया। इसमें क्या पूछा है कि पता करो लाइन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो मैंने आपको यही इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट में आपको चार बार से बोला हूँ इस बात को कि अगर सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा तो कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो सॉल्यूशन तो दो कंडीशन में आती है, जब लाइन इंटरसेक्ट कर जाए और क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। पैरेलल वाले में इनकंसिस्टेंट होता है। तो करना अल्टीमेट वही है, एक में करके दिखा देता हूँ, बाकी दो आपको क्या होंगे, होमवर्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहला जैसे लिख रखा है इसमें थर्ड का क्वेश्चन नंबर, थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि 2x plus 3x plus 2y is equals to 5। सेकेंड क्या बोल रखा है, सेकेंड बोल रखा है 2x minus 3y is equals to 7। 2x minus 3y is equals to 7 हो गया। चलिए तो अब हम देख लेते हैं 3x plus 2y equals to 5, 2x minus 3y equals to 7, बिल्कुल सही। आई इसको उधर फेंक दो, चलो तो बेटा इक्वल टू इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं माइनस इक्वल टू जीरो, प्लस सेवन इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस सेवन, तो माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। चलो ए वन अपॉन ए टू निकालते हैं, सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए ए वन अपॉन ए टू 3 upon 2, चलो बी वन अपॉन बी टू 2 upon -3, बस आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे माइनस में आ गया। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 3 upon 2 कैन नॉट बी इक्वल टू -2 upon 3, इट मीन्स a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। यानी ये कंडीशन कौन सी है, लाइन इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब सॉल्यूशन मिलेगा। अब सॉल्यूशन है तो ये कैसी लाइन हो जाएंगी, कंसिस्टेंट लाइन। तब क्या लिख देंगे, therefore the given lines are consistent, है ना। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, संगत होंगी, क्या होंगी बेटा, संगत, कंसिस्टेंट आंसर, बस आपको यही बताना है। ठीक, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो अब थर्ड के जो बचे दो क्वेश्चन है आप इनको डन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से जरूर शेयर करें बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।